बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम। तो इसके बारे में तफसीली तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम है क्या, किसके बारे में है और क्या टैक्सेस हमें पे करने होंगे और क्या क्या फ़ायदे इससे हो सकते हैं। तो इससे इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों को गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आखिर में ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए इसको तफसील में समझते हैं। व्हाट असेट्स मे बी डिक्लेयर्ड अंडर द एमएसटी स्कीम। इस एमएसटी स्कीम के अंदर हम क्या क्या असेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर वन, वो इनकम जो टैक्सेबल इनकम थी, हमने अपने घोषवारों में उसको डिक्लेयर नहीं किया और अब डिक्लेयर करने पर हमें गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि ये आपकी इनकम पहले डिक्लेयर क्यों ना थी, या कोई एक्सपेंडिचर या सेल्स जिसके जो टैक्सेबल है वो आपने टैक्स पे नहीं किया और इस स्कीम को फ़ायदा लेते हुए आप वो डिक्लेयर करते हैं, या आपके असेट्स हैं, फॉरेन असेट्स हैं, लोकल असेट्स हैं, करेंसी है, या सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो आपकी बेनामी प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शंस रही हैं वो पहले इससे पहले डिक्लेयर नहीं थी और इस स्कीम के तहत आप डिक्लेयर करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे ये नहीं पूछेगी कि ये बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस आपने पहले डिक्लेयर क्यों नहीं की। लोकल असेट्स हैं, लोकल प्रॉपर्टी है आपकी डोमेस्टिक, वो भी आप डिक्लेयर करेंगे इसमें, और इस पर इन सारी चीज़ों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल टैक्स आप पे करके ही इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन कौन से शख्स और इदारे जो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑफिस, पब्लिक कंपनीज हैं, या कोई ऐसी असेट प्रॉपर्टी जो अंडर प्रोसीडिंग है कोर्ट में, या आपका सोना है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, प्राइस बॉन्ड हैं, बियरर सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप इस स्कीम के तहत डिक्लेयर नहीं कर सकते और अपना फ़ायदा इससे नहीं ले सकते। अब जो चीज़ें हमने डिक्लेयर की हैं, एक्सपेंडिचर सेल्स है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉरेन करेंसी है या फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारे के सारे टैक्स पाकिस्तानी रुपीज़ में आप पे करेंगे, ना कि फॉरेन टैक्स फॉरेन रुपीज़ में पे करेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर है उनके ऊपर सिर्फ 4% टैक्स दे के आप इसको वाइट कर सकते हैं। सेल्स जो आपने जो सेल्स टैक्सेबल थी उसको भी वाइट करना है तो सिर्फ 2% आपने टैक्स देना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप 1.5% टैक्स दे के उसको वाइट कर सकते हैं। कैश इन हैंड है आपको, उसके ऊपर सिर्फ 4% टैक्स पे करके ही आप उसे वाइट करके इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक तरह से बेहतरीन स्कीम है जिससे ज़्यादातर कारोबारी तबका इससे फ़ायदा उठाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स।